तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो सिक्योर फोल्डर होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आगे आपको बताने वाला हूँ, और एक्चुअल में सिक्योर फोल्डर होता क्या है इसके बारे में भी आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सिक्योर फोल्डर के बारे में। दोस्तों एक सिक्योर फोल्डर जो सैमसंग गैलेक्सी में ए सीरीज के हैंडसेट में अधिकतर मिलता है, एस सीरीज में मिलता है और प्रीमियम फॉर्म में तो मिलता ही मिलता है, और एम सीरीज और एफ सीरीज के जो हैंडसेट होते हैं उसमें बहुत कम मिलता है, क्योंकि जिन गैलेक्सी डिवाइसेस में नॉक सिक्योरिटी दी जाती है उसके अंदर आपको सिक्योर फोल्डर का एक्सेस मिलता है। सिक्योर फोल्डर होता क्या है, एक तरीके से एक अलग स्पेस क्रिएट कर देता है, या बोल सकते हैं एक सिक्योर या प्राइवेसी प्लेस बनाता है, जिसके अंदर आप जो भी डेटा या जो भी आपकी ऐप रखेंगे वो पूरी तरीके से इनक्रप्टेड रहेंगी और उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक आप उसका पासवर्ड या जो भी आपने उसमें बना के रखा है, पासवर्ड पिन पैटर्न जो भी आपने लगाया है वो एंटर नहीं करेंगे जब तक कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये होता है सिक्योर फोल्डर। और एक्चुअल में कैसे अपन इसको यूज करेंगे आगे आपको बताने वाला हूं। और अच्छे से आपको नॉक सिक्योरिटी के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा। आज मैं आपको सिंपल इसका सिक्योर फोल्डर के बारे में बताने वाला हूं, तो चलते हैं आगे। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योर फोल्डर के अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद यहाँ जाएंगे आप अपडेट्स वाले सेक्शन, वहां पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा सिक्योर फोल्डर के अंदर। आप जाएंगे यहाँ पर नीचे की तरफ तो आपको मिल जाएगा सिक्योर फोल्डर का एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर स्पेशली आप बोल सकते हैं कुछ ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया कि नया फीचर्स क्या दिए गए, बट जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसमें बग फिक्सेस और सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ये आपके प्राइवेसी से रिलेटेड, इसमें आपका डेटा रहता है तो आपको उसको अपडेट करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस अपडेट को कब रिलीज किया गया है, 10 फरवरी को रिलीज किया गया, जिसका साइज है 13.44 MB का। यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअल में ये वर्क क्या क्या करता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो डिस्क्राइब दिखा देता हूँ जब तक मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वर्किंग क्या है, यहाँ पर आपको लिखा भी होगा सिक्योर फोल्डर इज अ सेपरेट स्पेस इन द डिवाइस प्रोवाइडेड बाय सैमसंग मोबाइल डिवाइस, एप्स एंड डाटा मूव टू सिक्योर फोल्डर स्पेशली ऑन द डिस्क डिवाइस, अगेन एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, जो कि मैंने आपको बताया कि आप अलग से एक स्पेस बना सकते हैं जिसको आप प्राइवेसी कर सकते हैं, पासवर्ड पिन पैटर्न जैसा भी आप यहाँ पर डालना चाहें, और इजी एंड मोर कन्वीनियंट है, आप इसको बहुत इजीली इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। और कैसे अपन इसको करेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसको हो गया है अपडेट, मेरा ये अपडेट हो गया है। अपडेट करने के बाद आपको सिक्योर फोल्डर को बनाना कैसे, तो सिक्योर फोल्डर एक्सेस करने के लिए आपको जाना है आपके मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर मिलेगा सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर सिक्योर फोल्डर वाले ऑप्शन में सिक्योरिटी में उसमें जाके आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा वेलकम टू सिक्योर फोल्डर, आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये सब चीजों की परमिशन मांगेगा, आपको सबकी परमिशन को यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है और परमिशन यहाँ पर दे देना है। एड फाइल इजिली, आप जब इसको पहली बार कन्फिगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से डायरेक्टली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो भी एप्स को वहां पर आप दिखना चाहते हैं उस एप्स को भी इजिली यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखेंगे आपको यहाँ पर फीचर्स भी बता रहा है, क्विक स्विच का भी ऑप्शन मिल रहा है आपको, कंटेंट सजेशन का भी ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ये कन्फिगर करने में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोसेस होती है, एक अलग से स्पेस बनाया जाता है तो उसको कन्फिगर करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम जब आप उसको कन्फिगर करेंगे। ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी बताएगा कि एक्चुअल में कैसे कैसे अपने यूज कर सकते हैं। ये मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है सिक्योर फोल्डर होता क्या है, तो इसलिए मैं पूरा बेसिक्स पे बता रहा हूँ कि कैसे अपन सिक्योर फोल्डर को यूज करेंगे। बट बेसिकली आज इसमें सिर्फ एक अपडेट आया था जिसके बारे में मैंने बताया, वो भी एक साल बाद अपडेट आया, तो मतलब इसकी सिक्योरिटी को लगभग क्या कुछ ना कुछ तो जरूर इसमें अपडेट किया गया होगा और इसकी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया होगा। अगर सिक्योर फोल्डर अगर आप चलाते हैं तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कोई इशू रहता है स्पीड में, हो सकता है कि इसके बाद यहाँ पर करा गया हो। जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे बोलेगा, तो यहाँ पर आपको पिन पैटर्न या जो भी आपको लेना है, लाइक मुझे यहाँ पैटर्न लेना है तो मैंने यहाँ पैटर्न पे क्लिक कर लिया। जो भी आपको लेना है आप यहाँ पर अलग भी पिन पैटर्न डाल सकते हैं, जो आपका नॉर्मल फोन का या पासवर्ड का जो भी हो। ये डालने के बाद आपको उसको एक्टिवेट कर देना है और यहाँ से सैमसंग अकाउंट को जरूर चूज कर लेना है, फिंगरप्रिंट को भी चूज कर लेना। नेक्स्ट कर लिया। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये ऐप्स तो आपकी चली गई सिक्योर फोल्डर में, जो कि आपको दिख भी रही होंगी, ये ऑटोमेटिक सिक्योर फोल्डर में चली गई। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐप को डालना हो तो आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, सारी ऐप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इनमें से कोई सी भी ऐप को वहाँ पर डालना हो
तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उस ऐप को क्लिक करें। लाइक मुझे इंस्टाग्राम डालना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक करा, ऐड पे क्लिक कर दिया, तो इंस्टाग्राम भी यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। आप देख रहे हैं ऐड ऑन हो गई है और बिल्कुल यहाँ पर अलग ही दिखेगी। और नीचे आपको दिख भी रहा होगा सिक्योर्ड बाय नॉक्स, आपको दिख रहा है सिक्योर बाय नॉक्स का ऑप्शन भी दे रहा है। ये हो गया यहाँ पर डन। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से बैक करना है, सिक्योर फोल्डर पर क्लिक करना है, दोबारा यहाँ पर हो गया। अब ये आपका हो गया, सारी चीज़ें बेसिक डन्स हो गई हैं। मैनेज हो गया, आउट सेटिंग्स हो गई, यहाँ पर लॉक टाइप में आपने डाल ही दिया है। अगर आप इसका पासवर्ड विजिबल चाहते हैं तो हटा दो। ऑटो लॉक स्क्रीन, ऑटो लॉक सिक्योर फोल्डर का बहुत अच्छा फीचर है कि जब भी अगर मैं सिक्योर फोल्डर पे हूँ और मैंने गलती से अगर मोबाइल लॉक कर दिया है तो जब भी मैं उसको ऑन करूँ तो मेरे से सिक्योर फोल्डर का पासवर्ड जरूर मांगे। ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है। या फिर आप ऊपर वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं, ईच टाइम वाला, कि जब भी मैं लीव करूँ और तुरंत जब भी जाऊँ तो मुझसे हर बार वो पासवर्ड मांगे। तो जो भी, दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे वो चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे आपको मिलेगा नोटिफिकेशन डाटा, कि जो भी आपने सिक्योर फोल्डर में ऐप डाल रखी है उसकी नोटिफिकेशन आपको नॉर्मल मोड पे मिले ना मिले वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। शो कॉन्टैक्ट्स पे करेंगे, ऐप इन्फो पे करेंगे तो कौन कौन सी ऐप है उन ऐप को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। शो कॉन्टैक्ट इन्फो में करेंगे तो वो भी वो दिखे। अलाउस मतलब जो भी आपके कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोन पे वो आपके सिक्योर फोल्डर पे भी दिखे तो आपको वो भी अलाउ कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने क्लिपबोर्ड में सेव करके रखा है वो आपको सिक्योर फोल्डर मिल जाए तो आपको वो भी यहाँ पर अलाउ कर देना है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो स्नोज बटन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और ऐप आइकन बगेज का भी ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं तो उसको अलाउ कर सकते हैं। उसके नीचे मिलेगा क्विक स्विच का ऑप्शन, जो कि उन्होंने पहले बताया। आप चाहें तो साइट की में जाके आप वहां पर डबल टैप में सिक्योर फोल्डर मूव का ऑप्शन भी एड ऑन कर सकते हैं। फिर बैक आएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पर मिलेगा ऐप्स का ऑप्शन। जो भी आपने ऐप डाल रखी है सब यहाँ पर आपको ऐप मिल जाएंगी, जो भी आपने ऐप वहाँ पर डाली हुई है। मैनेज अकाउंट, जो अकाउंट आप लॉगिन करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मोर सेटिंग में जाएंगे तो अगर आपको यहाँ पर सैमसंग पासवर्ड से रिलेटेड कुछ सेटिंग करना है तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑटो फिल ऑप्शन, तो ऑटो फिल से कुछ रिलेटेड करना है पर अनइंस्टॉल, अगर आपको सिक्योर फोल्डर को डिलीट मारना हो तो आप यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करके और अनइंस्टॉल पर यहाँ पर क्लिक आउट कर सकते हैं। इसके नीचे जाएंगे अदर सिक्योर सेटिंग में, यहाँ पर सिक्योरिटी की जो भी उसमें सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। और ये प्राइवेसी, और ये हो गया फाइनली कॉन्फ़िगर हो गया है। अब एक्चुअल में वर्क कैसे करता है वो बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन को क्लिक कर दिए, ऐड सिक्योर फोल्डर टू ऐप स्क्रीन। अब क्या होगा, ये आपको ऐप स्क्रीन में सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा। आपको जब भी सिक्योर फोल्डर वाले में जाना हो आपको उस पर क्लिक करना है और आप सिक्योर फोल्डर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये पहुंच चुके हैं आप सिक्योर फोल्डर में। आप सिक्योर फोल्डर के अंदर गैलरी में भी जा सकते हैं, अगर गैलरी में आपने क्या डेटा रखा है। तो अभी आपकी कोई भी गैलरी का डाटा यहाँ पर नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ पर कोई भी फोटो डालना चाहते हैं अपनी गैलरी से तो आपको अपने मोबाइल की गैलरी में जाना है, यहाँ से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर मोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको करना है मूव टू सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, आपको दिख रहा है मूव टू सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो ये मूव हो गई है आपकी फोटो सिक्योर फोल्डर के अंदर। आप देखेंगे तो ये सिक्योर फोल्डर के अंदर आपकी ये फोटो यहाँ पर आ गई है, आप देख रहे होंगे। तो आप अपनी फोटो, वीडियो या जो भी चीज़ यहाँ पर डालेंगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और जिसको बाद में अपने पासवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, लाइक मैंने अपने मोबाइल को अभी लॉक कर दिया और मैंने उसको अनलॉक पे गया, ठीक है। अब मुझे सिक्योर फोल्डर में देखना है मेरी फोटोज़ क्या क्या है, मेरी ऐप्स कौन कौन सी है। तो मैं जैसे ही जाऊँगा तो मुझसे पासवर्ड या मेरा पिन मांगेगा या मेरा फिंगरप्रिंट मांगेगा, उसके बाद ही मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर अगर आप इंस्टाग्राम पे जैसे आपने ऐप डाल रखी, जो भी ऐप डालेंगे आपको सेपरेटली लॉगिन करना होगा, कोई भी लॉगिन आपकी नहीं आएगी जैसा कि नॉर्मल आपके लॉगिन इंस्टाग्राम ऐप में होगा। आपको हमेशा यहाँ पर नया अकाउंट या फिर वही पुराना अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करके आपको रखना होगा। अगर देखना चाहें तो कॉन्टैक्ट में भी जाएंगे, कैमरा भी जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नया डिवाइस की तरह एक्सेस होगा, यहाँ भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। इंटरनेट ब्राउज़र में जो भी आप वेबसाइट सर्च करेंगे वो सिर्फ सिक्योर फोल्डर में दिखेंगे, आपको वहाँ नहीं दिखेंगी। कॉन्टैक्ट जो भी आप यहाँ पर सेव करेंगे वो सिर्फ आपको यहीं दिखेंगे, आपके उस वाली प्रोफाइल पे नहीं दिखेंगे, नॉर्मल अकाउंट में नहीं दिखेंगे। ऐसे ही गैलरी, कैलेंडर, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड, और भी ऐड ऑन करना तो यहाँ प्लस क्लिक करिए, जो भी आप यहाँ पर ऐप चाहते हैं उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये होता है सिक्योर फोल्डर, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।